8, 5, 66 की प्रातः क्लास चल रही थी, पहले पेज की मध्य में बात चल रही थी। तुम कहते हो हम ब्रह्मा कुमारियों का दिन सत्यपुत्री का और रात द्वापर करियो। ऐसे तो बाबा बहुत सही रीति समझाते हैं, जो कुछ शास्त्र आदि पढ़े हुए हो वो सब भूल जाना है। क्यों भूल जाना है? जैसे कोरा कागज होता है तो उस पर जो लिखाया जाता है तो अच्छा दिखाई पड़ता है, स्पष्ट छप जाता है, और लिखा हुआ कागज हो उसके ऊपर लिखा जाएगा तो स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसे ही बुद्धि, इस बुद्धि में अगर कोई बात आक्ष करनी है तो पुरानी बातें सब निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ढेर सारा शास्त्रों का भूसा 63 जन्मों का बुद्धि में पड़ा हुआ है। मन बुद्धि रूपी आत्मा कहो शीशा कहो, वो मैला हो चुका है। अगर हम परमात्मा की बातों पर विचार करना चाहते हैं तो पुरानी बातों को सारा भूलना पड़ेगा। इन यज्ञ तप आदि से मैं मिलता नहीं हूं। जो मेटेरियल यज्ञ किए जाते हैं उन मेटेरियल यज्ञ की बात नहीं है, ये तो संगम युग में परमात्मा ने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में तन मन धन समय संपर्क सब स्वाहा करना होता है। मैंपन का अहंकार स्वाहा करना पड़ता है। वो तो घृत अर्पण कर देते हैं, डब्बे के डब्बे सैकड़ों डब्बे घी डाल देते हैं। बाप कहते हैं ये स्मृति रूपी तुम्हारा घी है, इस स्मृति रूपी घी को या याद को एकाग्रता की शक्ति से जब काम में लाएंगे तो तुम्हारी स्मृति रूपी मेधा बढ़ती चली जाएगी। अभी बुद्धि तामसी बन गई, कुछ भी याद नहीं रहता, विस्मृति हो जाती है। अच्छी अच्छी बातों की धारणाओं में विस्मृति रहती है और जो दुष्ट संग मिलता है उसकी विस्मृति रह जाती है। तो बाप कहते हैं ये जो मनुष्यों का पढ़ाया हुआ है वो सब भूल जाओ, यहाँ तो देह सहित जो कुछ भी है, ये अहंकार, मैं बैरिस्टर हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं बड़ा साहूकार हूँ, फलाना हूँ, ये सब कुछ भूल जाना है। बस मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति बिंदु सितारा हूँ, आत्माभिमानी भव। बाप कहते हैं अथवा बाप से ये बच्चा सुनकर भी कहते हैं, दोनों ही कह सकते हैं, यह बच्चा कौन? ब्रह्मा बच्चा। ये ब्रह्मा बच्चा बाप से सुनकर भी दूसरों को बता सकता है। तो जैसे बाप दादा दोनों कहते हैं, बाप कौन हुआ? सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु शिव, जिसको अपना शरीर नहीं होता, जो अजन्मा कहा जाता है, गर्भ से जन्म नहीं लेता। परंतु गीता में कहा हुआ है जैसे प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं, भले गर्भ से जन्म नहीं लेता हूं, लेकिन जैसे भूत प्रेत आत्मा प्रवेश कर जाती हैं, वैसे मैं भी प्रवेश करता हूं। बाकी मेरा प्रवेशता दिव्य प्रकार की है, क्या अन्य मनुष्य आत्माओं सदस्य मेरी प्रवेशता नहीं होती है। कैसी प्रवेशता में अंतर है? मनुष्य आत्मा जब प्रवेश करती है तो उनको सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर होने के कारण उस सूक्ष्म शरीर का जिसमें प्रवेश करती है उसमें दबाव पड़ता है,
उस दबाव के कारण वो देहधारी अपने स्वरूप को भूल जाता है, नील में चला जाता है, और मैं जिसमें प्रवेश करता हूं मेरे तो सूक्ष्म शरीर नहीं है ही नहीं। तो सूक्ष्म शरीर न होने के कारण मेरी आत्मा हल्की फुल्की है, जिसमें भी प्रवेश करता हूं तो हल्का फुल्का खंड महसूस होता है, और आत्मा जो है वो कोई दबाव महसूस नहीं करती। जैसे ब्रह्मा बाबा की सूर गुलजार गादी में आती है तो गुलजार गादी की आत्मा दबाव महसूस करती है या नहीं करती है? करती है। दबाव महसूस करती है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा मनुष्य आत्मा है। गलती से लोगों ने ब्रह्मा की सोल को अर्थात कृष्ण की सोल को भगवान मान लिया, लेकिन वो भगवान साबित नहीं होती। क्यों? क्योंकि भगवान गॉडफादर और मनुष्य आत्मा की सोल अलग अलग प्रकार से कार्य करती है। क्या कार्य करती है? सुप्रीम सोल जब प्रवेश करते हैं तो उनकी प्रवेशता से परिवर्तन दिखाई देता है सुनने वालों में, धारण करने वालों में, यहां तक कि उस स्वरूप को देखने वालों में भी परिवर्तन होता है, धीमा धीमा परिवर्तन होता है, एक साथ जम दे जान दे नहीं होता है। और मनुष्य आत्मा जब प्रवेश करती है तो परिवर्तन नहीं होता, मनुष्य आत्मा की वाणी बड़ी अच्छी अच्छी सुनाई पड़ेगी, भक्त लोग कहेंगे बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा किया, लेकिन जनरेशन की जो स्वभाव संस्कार की सरणी है वो नीचे गिरती चली जाती है। जैसे ब्रह्मा बाबा में सुप्रीम सोल जब तक प्रवेश करता रहा, ब्राह्मण परिवार उत्तरोत्तर प्रगति को पाता रहा, स्वभाव संस्कार सहनशीलता सौहार्द ये गुण बढ़ते रहे, और जैसे ही ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, ब्रह्मा की सोल ने प्रवेश करना शुरू किया गुलजार दादी में, तो वाणी तो बहुत अच्छी सुनाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो देवात्मा की वाणी है। जो नई सृष्टि शुरू होगी तो उसमें पहली देवात्मा कौन बनेगी? कृष्ण की सोल। तो जो भी वाणी सुनाती है वो दिव्य गुण से भरी पूरी वाणी सुनाती है, लेकिन उसमें ज्ञान नहीं होता। दिव्य गुणों का भंडार सिखाने वाली आत्मा है, लेकिन दिव्य गुणों का भंडार जो है वो उस आत्मा तक ही सीमित रहता है, दूसरी आत्मा उसे सुन करके भी धारण नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि मनुष्य आत्मा की बात है, मनुष्य आत्मा के सुनाने से आत्माओं के ऊपर कोई असर उतना नहीं पड़ता जितना परमात्मा शिव जब प्रवेश करते हैं वो जो कुछ सुनाते हैं उस सुनाए हुए का आत्माओं के ऊपर असर पड़ जाता है और परिवर्तन स्पष्ट दिखाई पड़ता है। मिसाल के तौर पर ब्राह्मण परिवार में भी देखा जा सकता है, 69 से पहले जो ब्राह्मणों में धारणाएं थी वो अब धारणाएं दिखाई नहीं देती, और 69 के बाद 76 तक भी वो धारणाएं दिखाई नहीं गई और लोप होती चली गई। कुछ कतिपय ब्राह्मणों में जिनमें ये निश्चय बुद्धि पक्का हुआ कि परमात्मा शिव फिर से अपने को प्रत्यक्ष कर रहा है, टीचर के रूप में, बाप के रूप में, सदगुरु के रूप में बुद्धि को परिवर्तन कर रहा है, जिन्होंने ये अनुभव किया उनमें परिवर्तन देखने को मिलता है। ओ, ये दूसरी बात भी है कि मनुष्य आत्माएं परिवर्तन नहीं कर सकती, परिवर्तन का जादू मनुष्यों की आत्मा में नहीं होता है, मनुष्यों की वाणी में वो परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 2500 वर्ष की हिस्ट्री बताती है कि मनुष्य गुरुओं ने जो कुछ भी सिखाया, चाहे शास्त्रों के द्वारा सिखाया, चाहे प्रवचन के द्वारा सिखाया सुनाया, दुनिया में दिव्य गुणों की धारणा नीचे गिरती गई है या ऊपर उठती गई है? नीचे गिरती। दुनिया नीचे गिरती गई, आपसी स्नेह प्यार सौहार्द सब खलास होता है, वो दिव्य गुण दिखाई नहीं देते,
हर मनुष्य आत्मा में राक्षसी गुण दिखाई देते हैं, जैसे एक दूसरे को खाना चाहता है। तो परमात्मा बाप ये बात बताते हैं, ये रहस्य बताते हैं कि मेरी दिव्य प्रवेशता में और मनुष्य आत्माओं की प्रवेशता में जमीन आसमान का अंतर है। बताया, तो बाप दादा दोनों कहते हैं, दोनों कहते हैं माना दोनों ज्ञान तो सुना सकते हैं, लेकिन बाप जो ज्ञान सुना सकता है वो और कोई ज्ञान नहीं सुना सकता। अभी तो बाप दादा दोनों कंबाइंड है, कंबाइंड माना एक ही शरीर में दोनों, सुप्रीम सोल बाप भी है और एक ही शरीर में दादा, दादा माना बड़ा भाई, ब्रह्मा की सोल भी है। बड़ा भाई कौन है इस सृष्टि का? इस सृष्टि पर जब पैदाइश होना शुरू होगी देवताओं की, तो पहला बच्चा कौन पैदा होगा? कृष्ण होगा, दादा कृष्ण पैदा होगा। फिर उसका बाप कौन? कृष्ण बच्चा तो पैदा होगा, बड़ा बच्चा तो है, दादा हो गया, चलो ठीक है, हैं? लेकिन उसका बाप कौन? नारायण बाप हुआ। इसका मतलब नारायण में स्वयं परमात्मा शिव प्रवेश करके बाप का पार्ट, जगत पिता का पार्ट बजाता है। तो अभी ऐसा कोई स्वरूप है जो बाप दादा का कंबाइंड पार्ट बजाता है, व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है। कौन है? कोई कोई गुलजार दादी। तो गुलजार दादी में सुप्रीम सोल की प्रवेशता साबित नहीं होती, क्योंकि मुरली में बोला हुआ है मैं जिसमें प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। गुलजार दादी को कोई ब्रह्मा कहता है क्या? नहीं। ब्रह्मा कोई नहीं कहता, क्यों? वो ब्रह्मा साबित नहीं होती। क्या ब्रह्मा माने? काम से भी ब्रह्मा साबित नहीं होती। ब्रह्मा माने बड़ी मां। नाम से भी साबित नहीं होती। वास्तव में सुप्रीम सोल किसी और मनुष्य तन में प्रवेश कर रहा है। एक तो भारतीय परंपरा के अनुसार नारी चोले में सुप्रीम सोल प्रवेश ही नहीं करता। कहीं सुना नहीं कि भगवान नारी चोले में आता है? अगर नारी चोले में परमात्मा आने लगे तो सबसे बड़ा दूषण क्या हो जाएगा? पुरुष तन में परमात्मा आता है तो सभी मिल सकते हैं, और स्त्री चोले में अगर परमात्मा आता है नहीं, तो सब पुरुष नहीं नहीं मिल सके। अगर मिलेंगे तो सारे पुरुष दुर्योधन दुशासन है, उस स्त्री चोली का तो सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए बताया है, शास्त्रों में भी बताया है कि स्त्रियां जब प्रदूषित होती हैं, उनमें खून का जब संक्रमण होता है अनेक प्रकार के खून का, तो स्त्रियों के प्रदूषण होने से सारी सृष्टि प्रदूषित हो जाती है। ये दुनिया वैश्यालय बन जाती है, जैसे आज की दुनिया वैश्यालय बन चुकी है। इस बात को बड़े बड़े विद्वान आचार्यों ने भी जाना, बड़े बड़े कवियों ने भी जाना। तुलसीदास जी ने 500 साल पहले ही कह दिया, भय वर्ण संकर सब है। क्या इस दुनिया में कोई ब्राह्मण नहीं रह गया, सब वर्ण संकर हो गए। वर्ण संकर जानते हैं? अनेक प्रकार के छोटी बड़ी जातियां मिक्स हो जाती है, ब्राह्मण और बंगी की स्त्री को भगा लें तो संक्रमण हो गया ना, वो वर्ण संकर संतान पैदा होगी। तो वो बच्चा बाप की बात को मानेगा? नहीं मानेगा, क्योंकि खून बिगड़ गया खून। तो परमात्मा बाप ये बात समझाते हैं कि मैं जिस चोले में आता हूँ वो चोला पुरुष तन ही चाहिए, स्त्री चोला नहीं चाहिए। तो बाप दादा दोनों कहते हैं। अब देही अभिमानी भव, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, ये भी समझाया। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगी। क्यों? सब क्यों नहीं 84 जन्म लेंगी? 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा 84 जन्म नहीं ले सकती है? अगर 500-700 करोड़ आत्मा है सत्युग की आदि से ही जन्म लेना शुरू कर दे तो क्या अंतर पड़ेगा? कलयुग हो जाएगा। हाँ
क्योंकि वहाँ इतनी ज्यादा मक्खी मच्छरों में से आत्माएं हो जाएंगी और वहाँ तो सिर्फ भारतवर्ष ही होता है, दूसरे धर्मखंड तो वहाँ होते ही नहीं। एक भारत में ही भगवान आते हैं और भारत में ही भगवान में आकर के स्वर्ग बनाते हैं, सारी दुनिया को स्वर्ग नहीं बनाते। तो वास्तव में इतनी आबादी हो नहीं सकती क्योंकि श्रेष्ठ आत्माओं को पहले स्वर्ग में आना पड़ता है। श्रेष्ठ आत्माएं अपना सुख का हिस्सा पहले आकर के भुगती हैं और जो दुष्ट आत्माएं हैं वो इस सृष्टि पर बाद में आती हैं। तो सब नहीं 84 जन्म लेंगे, ये बातें तुम्हारी बुद्धि में भी नंबर बार है क्या कि कौन कौन आत्माएं 84 जन्म लेने योग्य है और कौन कौन आत्माएं 84 जन्म लेने योग्य नहीं है? बताओ कौन कौन सी आत्माएं 84 जन्म लेंगी? जो देवी घराने की। हाँ, देवी घराने की होंगी। वो देवी घराने की क्यों होंगी? वो ही क्यों होंगी देवी घराने की? क्योंकि वो बाप, दूसरी क्यों नहीं होगी? बाप से ही पढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि वो एक बाप की पढ़ाई पढ़ते हैं, दूसरे किसी धर्म गुरु या धर्म पिता को या इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट या उसके फॉलोअर को या उसके आधार मूर्त को अथवा उसकी बीज रूप आत्मा को फॉलो नहीं करते। ये शिफ्ट है, इसलिए बाबा कहते हैं एक से ज्ञान सुनना चाहिए। अगर अनेकों आत्माओं से ज्ञान सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। जब ज्ञान ही व्यभिचारी हो जाएगा तो जनरेशन कैसी पैदा होगी? दुष्ट बुद्धि पैदा होगी। तो शुरुआत से ही ऐसा हो जाएगा। परमात्मा बाप आए हैं, वो तो मनुष्य से देवता बनाने आए, मनुष्य से भी नहीं राक्षसों को देवता बनाने आए। तो कितना ज्ञान ऊंचा होना चाहिए और कितना उसमें प्योरिटी होनी चाहिए, उसमें मैच्योरिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो जो सर्वसेवक बच्चे हैं उनको इस सर्विस में जरूर लगना चाहिए। कौन सी सर्विस में? समझाने की सर्विस। ईश्वरीय ज्ञान जो है जैसा मिला है ज्यों का त्यों वो दूसरी आत्माओं को सुनाए, उसका जो अर्थ है उसका अनर्थ न करके बिल्कुल प्योर करके सुनाना चाहिए। अगर उसमें थोड़ा भी अपनी मनमत मिक्स कर दी या मनुष्य गुरुओं से सुना हुआ मिक्स कर दिया तो वो विष हो जाता है। ये विषय से दुनिया कब से शुरू होती है? क्यों क्यों नहीं? और धर्म पिता आकर के अपनी मत मिक्स कर देते हैं और उसकी शूटिंग कहाँ होती है? संगम पर ही उसकी शूटिंग होती है। बाप कहते हैं कि मुरली ही तुम्हारी लाठी है, इस मुरली से ही तुम इसे विषय सागर के पार चले जाओगे। अगर मुरली को तुमने छोड़ा और कुर्सी दे रहा है गुरु को पकड़ लिया तो क्या होगा? बीच में गिर जाएगी। सर्विस उन्हीं बच्चों को करना चाहिए जो सर्विसेबल है और बाप के प्रति उनका पूरा प्यार है। प्यार कहीं दूसरे देहधारियों में बटा हुआ नहीं है। तुम ब्राह्मण हो ना? कैसे ब्राह्मण हो? मुखवंशावली या कुखवंशावली? ब्रह्मा के मुख से जो बातें निकलती हैं, चलो ब्रह्मा कोई भी हो, ब्रह्मा के तो चार मुख पांच मुख भी दिखाते हैं। क्या जैसे बोला है मैं जिस तन में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। इसका मतलब वो कोई जरूरी नहीं है कि परमात्मा सिर्फ एक मुख के द्वारा ही अपना कार्य करता है, वो जरूरत पड़ने पर बदल भी सकता है। मिसाल भी दिया है जैसे भारत में एक स्त्री भर जाती है तो कहते हैं दूसरी जूती ले लेते हैं, तीन चार शादियां भी जीवन में कर लेते हैं, यह भी पुरानी जूती है, ऐसे मुरली में बोल दिया। बोला है तो कौन सी पुरानी जूती? मतलब ब्रह्मा जो है वो पुरानी जूती है, उस जूती को बदल करके उन्होंने इशारा दे दिया कि आगे चल के परमात्मा शिव को दूसरी नई जूती भी धारण करनी। तो जो नया चोला धारण करते हैं तो साफ जाहिर हो जाता है कि परमात्मा शिव के आधार रूप चोले अलग अलग है,
यज्ञ के आदमी कितने थे? दो थे। यज्ञ के आदमी दो कौन कौन? अच्छे अच्छे बच्चे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, एडल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे, उनमें शिव बाबा प्रवेश करते थे। ये मुस्लिम आया ना, इसका मतलब ऐसे बच्चे थे जिनमें शिव बाबा ने प्रवेश किया था, वो आग के यज्ञ माता और यज्ञ पिता, जिनके द्वारा ज्ञान का बीजारोपण दादा लेखराज ब्रह्मा की सूर में भी किया गया। और ब्रह्मा बाबा ने माता के रूप में पूरा पाठ बजाया। जो माता पिता की जो जो कार्य था, जो कार्य अधूरा रह गया उनके शरीर छोड़ने के बाद, वो कार्य बच्चे ने उठा लिए। भारतीय परंपरा में तो होता है ना ऐसा, माँ बाप शरीर छोड़ जाते हैं तो बच्चा उनका टाइटल ले लेता है। तो ब्रह्मा और प्रजापिता का टाइटल ब्रह्मा बाबा ने धारण कर लिया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी ऐसे कहा जाना चाहिए, लेकिन वो तो टाइटल धारी थे, ओरिजिनल तो नहीं थे, इसलिए उनके द्वारा पूरी बात समझाने का कार्य नहीं हुआ। उनके द्वारा सुनने और सुनाने का कार्य। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य सृष्टि का पिता नहीं था, मनुष्य सृष्टि का पहला प्रिंस है। पहला प्रिंस होने के नाते वो बड़ा भाई के समान है, लेकिन बाप नहीं। बड़े भाई से कोई वर्षा नहीं मिलता, वर्षा किससे मिलता है? बाप से ही वर्षा मिलता है। तो इस मनुष्य सृष्टि का जो पिता है, यज्ञ के आदमी भी था, वही आत्मा ब्रह्मा बाबा की शरीर छोड़ने के बाद दोबारा यज्ञ में आती है और उसमें परमात्मा शिव प्रवेश कर जाती है। ऐसे भी नहीं कि सन 76 से प्रवेश करते हैं, नहीं, जैसे ही उधर ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ते हैं और सुप्रीम सोल कोई दूसरे बच्चे में प्रवेश कर देते। माना ये संसार रूपी जंगल कभी खाली नहीं रहता है, इसमें एक शेर जाता है तो दूसरा शेर आ जाता है। इसलिए अपने आप त्रिमूर्ति शिव की यादगार में आज तक भी भारतीय परंपरा में नोट हो चाहे स्टाम्प पेपर हो, उसमें तीन शेर दिखाए जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर की यादगार। उनमें शेरनिया भी है, शेर भी है। तो ये संसार रूपी जंगल में ज्ञान की ऐसी दहाड़ मारने वाली आत्माएं जिनकी यादगार में आज भी अशोक की लाट दिखाई जाती है। तो तुम ऐसे ब्राह्मण हो, मुखवंशावली ब्राह्मण हो, कुखवंशावली ब्राह्मण नहीं हो। कुखवंशावली माना जिन्होंने ब्रह्मा बाबा के चिकने चुकुड़े चेहरे को देखा, उनकी गोद का आनंद लिया, देह में आसक्त हुए, लेकिन मुख से निकली हुई वाणी को उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ऐसे कुखवंशावली ब्राह्मणों की संख्या ढेर हो जाती है। उनको शास्त्रों में रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मणों के रूप में दिखाया गया। वो मुख से निकली हुई वाणी को धारण नहीं करते, चलो सुन भी लेंगे, दूसरों को सुना भी लेंगे, समझ भी लेंगे, दूसरों को समझा भी लेंगे, लेकिन अपने जीवन में वो धारण नहीं करते, उल्टा ज्ञान उठाते। तो ऐसे जो कुकुवंशावली ब्राह्मण जिनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, जिनको महाभारत में दिखाया गया है कि कौरव और यादव ढेर की ढेर तादाद में थे और पांडव सिर्फ उंगलियों पर गिने, पांच उंगलियों पर गिने जाने वाले थोड़े से ब्राह्मण थे, उन थोड़े से ब्राह्मणों का पक्ष जो है परमपिता परमात्मा लेते हैं और बाकी कौरव और यादव जो है वो टोटल मिलाकर के उतनी आबादी हो जाती है जितनी आज सारी दुनिया की आबादी। 18 अक्षौणी बताए गए, 18 अक्षौणी की जो संख्या गिनाई गई है, अगर उस संख्या पर भी ध्यान दें कि इतने घोड़े सवार थे, इतने रथ सवार थे,
इतने पैदल थे, इतने हाथी सवार थे, अगर उन सबकी संख्या गिनी जाए तो आज की दुनिया की जितनी संख्या है वो संख्या बन गई। अब कहां पांच पांडव और कहां इतनी बड़ी संख्या, लेकिन सत्य में बड़ी भारी ताकत होगी और सत्य सिर्फ एक ही होता है। ऐसे भी नहीं कह सकते कि पांच पांडव सत्य थे, वो सत्य को फॉलो करने वाले थे लेकिन पूरी सच्चाई उनमें नहीं थी, नंबर वार थी। युधिष्ठिर को कहा जाता है सत्यवादी, धर्मनिष्ठवादी कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ही अकेले सत्य थे। सत्य जो है वो सिर्फ एक होता है और अटल होता है और कभी चेंज होने वाला नहीं है। वो सुप्रीम सोल शिव जिसको कहते हैं सदा शिव, जो सत्य होता है वो ही कल्याणकारी होता है, जो असत्य होता है वो कभी कल्याणकारी नहीं हो सकता। तो सत्य शिव सदा शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो पांच पांडवों को पूरा संरक्षण देते हैं। उनके संरक्षण से उन पांच पांडवों को जो निश्चय पैदा होता है, उस निश्चय के आधार को वो सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो तुम ब्राह्मण हो, माने तुम असली रूप में सब ब्रह्मा की संतान हो। ब्राह्मणों को ये धंधा है, कौन सा धंधा? रूहानी सेवा। दुनिया में भी बच्चे का क्या धंधा होता है? जो बाप का धंधा वो बच्चे का। सो बच्चे का धंधा होता है मोस्टली। आजकल तो बात बदल गई है। है बाप वकील होता है तो बच्चा वो धंधा करना पसंद ही नहीं करता। बाप डॉक्टर होता है तो बच्चा कहता है ये सब क्या है, वो उसे पसंद नहीं आता। लेकिन अभी तक की जो परंपरा चली आई उसमें यही देखा गया है कि जो बच्चे का जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा। तो ये परंपरा बाप ने ही, सुप्रीम सोल बाप ने आकर डाली कि बच्चे तुम सच्चे बच्चे हो, जो मेरा धंधा है वो ही तुम्हारा धंधा होना चाहिए। क्या? ज्ञान देना, रूहानी ज्ञान देना। हाँ, ज्ञान देना, ज्ञान लेना, ज्ञान सुनना, ज्ञान सुनाना, ज्ञान समझना, ज्ञान समझाना, ज्ञान को धारण करना और दूसरों को जीवन में भी धारण करना, ये बाप के बच्चों का काम है। अगर बाप के बच्चे हैं तो इसी धंधे में लग जाएंगे। क्यों इसी धंधे में क्यों लग जाएंगे? इसी धंधे में लग जाएंगे तो बाल बच्चों को क्या खिलाएंगे? बाप गारंटी देते हैं, बाप इस बात की गारंटी देते हैं कि मेरे बच्चे जो है वो कभी भूख नहीं मर सकते। चाहे दुनिया में अकाल पड़ जाए, कैसा भी दुकान पड़ जाए, दुनिया वालों को, मल्टी मिलियनर्स को रोटी का टुकड़ा खाने के लिए नहीं मिलेगा, उनकी नोटों की गड्डियां सड़कों पर पड़ी रह जाएंगी, और मेरे बच्चे भूख नहीं मरेंगे। तो जो मेरे बच्चे होते हैं वो निश्चय बुद्धि होते हैं। निश्चय बुद्धि होने के कारण उन्होंने अपने पेट की, अपने बाल बच्चों के पेट की भी दरकार परवाह नहीं। और वो क्या करते हैं? तन धन धाम सुहृद परिवार सबकी बाजी लगा देते हैं। कहते हैं कौरव पांडवों ने जुआ खेला। वो जुआ कोई दूसरी चीज थोड़े ही खेला थी, दुनियावी तरीके से कोई जुआ थोड़े ही खेला था। ये तो स्त्री बाल बच्चे धन संपत्ति संबंधी सबकी बाजी लगाई थी। कौरवों ने भी बाजी लगाई और पांडवों ने भी लगाई। पांडवों ने भी बाजी लगाई, कौरवों ने चालाकी कर ली, अपना अपनी मुट्ठी में रखा और पांडवों का भी अपनी मुट्ठी में अपने कंट्रोल में ले लिया। पांडवों ने इसकी परवाह नहीं की और कौरव चालाकी से काम करते रहे। फिर रिजल्ट क्या होता है? पांडवों की जय, पांडवों की जीत हो जाती है और कौरवों की हार हो जाती है। तो बताया ये धंधे तुम्हारी बुद्धि में नंबरवार है। ब्राह्मणों का धंधा बाप का ही धंधा होना चाहिए। सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनाओ। क्या अभी तक तो वो गुरु लोग झूठी कथा सुनाते आए? क्या लकड़हारा लकड़बग्घा लीलावती लीलावती कलावती की कथा सुनाते आए, ऊपर चौपड़ी में लिख देते हैं सत्यनारायण की कथा, लेकिन चौपड़ी में लिख करके एडवर्टाइजमेंट करने से वो सच्ची सत्यनारायण की कथा थोड़ी हो जाएगी। उसके अंदर जीवन कहानी बायोग्राफी जो है
वो सत्यनारायण की होनी चाहिए, लेकिन अंदर सत्यनारायण की कथा होती नहीं। अच्छा वो तो दुनिया की बात हो गई, क्या वो दुनिया की बात हो गई। ब्राह्मणों की संग में दुनिया में ब्राह्मण इस समय किसकी कथा सुनाते हैं? दादा लेखराज की कथा सुनाते। बाबा ने मुरली में बोला गीता का भगवान कृष्ण उर्फ दादा लेखराज है ही नहीं। तुम जो गीता का भगवान कृष्ण को बनाते हो साकार रूप में है, कृष्ण की सोल दादा लेखराज को गीता का भगवान समझे बैठे हो, ये बात तो बिल्कुल रंग है। इसी से ही दुनिया नीचे गिरी। अगर इस बात की सच्चाई को दुनिया जानती होती कि साकार स्टेज को धारण करने वाला, जो साकार स्टेज को धारण करने वाला देह अभिमानी है, वो कभी भी भगवान नहीं हो सकता। भगवान वही हो सकता है जो परमात्मा बाप समान निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी स्टेज को धारण करे। 33 करोड़ देवताओं में सबसे ऊंची देवता माने जाते हैं 3, ब्रह्मा विष्णु शंकर। लेकिन ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को शिव के साथ मिलाकर के एक नहीं किया गया, क्या शिव को शंकर के साथ ही मिलाकर के एक किया गया। शिव विष्णु नहीं कहा जाता, शिव ब्रह्मा नहीं कहा जाता, उनके साथ उनको मिक्स नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? कोई कारण होगा। ऐसी स्टेज बाप समान स्टेज निराकारी निर्विकारी निरहंकारी ऐसी स्टेज विष्णु जैसी आत्माएं अथवा ब्रह्मा जैसी आत्माएं धारण नहीं कर सकी। तो तुम सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनाओ। क्या उनकी बुद्धि में तो है ही नहीं कि सत्यनारायण कौन है? उनकी बुद्धि में क्या है? वो दादा लेखराज को और सरस्वती को ही सत्यनारायण का रूप मानते हैं, जो कि सतयुग में जाकर के 16 कला संपूर्ण बच्चे के रूप में जन्म लेंगे, प्रिंस प्रिंस के रूप में जन्म लेंगे। वो उनकी ही कथा सुनाते हैं और बाप कहते हैं वो सत्यनारायण नहीं है, उन्होंने झूठ से टक्कर लेकर के सचखंड की स्थापना नहीं की। उन्होंने तो सचखंड की जो स्थापना हुई सच्ची दुनिया की, उस दुनिया में जन्म लिया। उस दुनिया का निर्माण करने वाला कौन हुआ? इतनी बड़ी झूठ की दुनिया, सारे ही धर्म जिसमें झूठे हैं, सारे ही राज्य सारे ही किंगडम जिसमें झूठे हैं, उस झूठी दुनिया में सचखंड की स्थापना करना और सब असत्य धर्मों का विनाश करना, धर्म संस्थापनार्थ है विनाशाय च दुष्कृतम्। जो झूठे कर्म करने वाले हैं उनका विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, तो किस रूप में आता हूँ? क्या बिंदी रूप में आता हूँ या ब्रह्मा के रूप में आता हूँ? अरे ब्रह्मा तो शरीर छोड़ के चले गए, दुष्कृतम का विनाश कहाँ हुआ? दुष्टों का विनाश कहाँ हुआ? दमन कहाँ हुआ? सद्धर्म की स्थापना कहाँ हुई? भले मुरली में कहा ब्रह्मा द्वारा मैं क्या करता हूँ, देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना करता। ब्रह्मा ने ही शरीर छोड़ दिया तो स्थापना कैसे करेंगे? कुदूसी ले ले उदूती। हाँ जरूर, ब्रह्मा की सोल जो है कोई ब्राह्मण बच्ची में प्रवेश करती है और प्रवेश करके वो सारी जगत की जो अम्मा के रूप में आज भी भारत में पूजी जाती है, है? उसके द्वारा स्वर्ग की गेट का उद्घाटन करा। वो जगदम्बा भी अकेली नहीं होती, उसकी भुजाएं भी होती हैं, उसकी समान पुरुषार्थ करने वाली भुजाएं भी होती हैं, जिनके साथ मिलकर के वह स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त होती है। अब उसको चाहे जगत की अम्बा कहो और चाहे ब्रह्मा कहो, क्योंकि ब्रह्मा की सोल उसमें प्रवेश है। जो जगत की अम्बा है, सारे विश्व की अम्बा है, वो वास्तव में ब्रह्मा है। हाँ ये जरूर है कि ब्रह्मा उर्फ दादा लेखराज के चोले के द्वारा उन्होंने सहन शक्ति का पाठ बजाया और जगदम्बा के द्वारा वह असुर संहारिणी का पाठ बजाती है। जो स्थापना करता है वह फिर विनाश भी करेगा। स्थापना भी आत्मा करती है, विनाश भी आत्मा करती है और पालना भी आत्मा करती है। तो हर मनुष्य आत्मा को 3 कार्य करने होते हैं। हर मनुष्य आत्मा में अपनी अपनी दुनिया समाई हुई है।
तो अपनी अपनी दुनिया का निर्माण करना, अपनी आसुरी दुनिया का विनाश करना, अपनी श्रेष्ठ दुनिया की पालना करना हर मनुष्य आत्मा का काम बन जाता है ना। तो ये जो सर्विस बाप बताते हैं सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनाने की, वो तुम्हारी बुद्धि में है, उन आसुरी ब्राह्मणों की बुद्धि में वो सच्ची सत्यनारायण की कथा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि में तो है कि ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ करके नर से क्या बनेंगे, नारायण का बनेंगे, ब्रह्मा बाबा नारायण बनेंगे, प्रिंस बनेंगे, बच्चे के रूप में जन्म लेंगे। उनकी बुद्धि में ये बात नहीं कि वो पुरुषार्थ करके नर से नारायण बनेंगे, बनने की सवाल ही नहीं, क्योंकि उन्होंने बाप समान पुरुषार्थ नहीं किया, पुरुषार्थ करके बाप समान स्टेज को धारण नहीं किया। तो जो बाप समान स्टेज को धारण करने वाला है वो नारायण बनता है। इसलिए मुरली ने बोला सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। क्या? अब नारायण को तभी याद करेंगे जब पहचानेंगे कि नारायण बनने वाला कौन है और सतयुग का कौन सा नारायण है, किसको याद करना है। अब्बल नंबर को याद करना है, द्वयम नंबर को याद करना है, आठवें नारायण को याद करना है। याद किसको करना है? जो नर से डायरेक्ट नारायण बनता है, इसी जन्म में पुरुषार्थ करके अपने शरीर को कंचन काया बना करके सारी सृष्टि को रिजुविनेट करता है और कराता है, वो सत्यनारायण के स्वरूप को याद करना है। क्योंकि उससे ऊंचा तो और कोई लक्ष्य होता ही नहीं। तो ऊंचते ऊंच को याद करेंगे तो हम भी क्या बनेंगे, ऊंच बने। आठवें नारायण को याद करेंगे तो क्या होगा, नीचे आएंगे तो जरूर नीचे गिरेंगे। आठवें नारायण कैसे ही बनेंगे? अच्छा चलो आठवें को नहीं, जो सतयुग का पहला नारायण है, जो संगमयुगी स्वर्ग का तो नारायण नहीं है लेकिन सतयुग का पहला नारायण, पहला प्रिंस अर्थात नारायण है, उसको याद करेंगे तो क्या होगा। उसने अपने पुरुषार्थी जीवन में जैसा अंतमते सो गते पाई होगी वैसी गति हमारी हो जाएगी। अगर ब्रह्मा बाबा ने हार्ट फेल होकर के शरीर छोड़ा है, अकाल मृत्यु में शरीर छोड़ा है, तो उसको याद करने वालों की गति क्या होगी, वही हो रही है, वही हो रही है। किसी का हार्ट फेल हो रहा है, किसी को ट्यूमर हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है, शरीर छोड़ते जा रहे हैं अचानक। तो बाप कहते हैं तुम्हें तो इसी जीवन में सिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। बाप तो ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिस पढ़ाई से तुम्हारा यह जीवन भी सुहारा बने, लौकिक जीवन भी सुहारा बने, और जो पारलोक आने वाला है परलोक का जीवन वो भी सुहाला बने। तो तुम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाओ। भारत का असल नाम ही है सचखंड। क्या? और बाकी सब जो खंड है झूठ, वो सब विनाशी खंड है क्योंकि झूठ खंड है। जो सत्य साईं बाबा आकर के सुनाता है, क्या सत्य साईं बाबा कौन है असली, शिव बाबा, शिव बाबा जो आकर के बात सुनाते हैं, उस बात की स्थापना करने वाला सिर्फ भारत खंड ही है। और उसके अलावा दूसरी दूसरी बातें मिक्स करके जो सुनाते हैं वो दूसरे दूसरे धर्मखंड है, जैसे बौद्ध धर्मखंड, इस्लामी धर्मखंड। बौद्ध धर्मखंड कौन सा है? चीन, जापान, मलेशिया वगैरह वगैरह, ये सारे बौद्ध धर्मखंड है जहां बौद्ध धर्म फैला है, तिब्बत वगैरह। इस्लामी धर्मखंड पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जितने भी है मुसलमान और इस्लामियों से संबंधित धर्म धर्मखंड, ये सारे ही विनाशी धर्मखंड। आज से 2500 साल पहले ये धर्मखंड थे ही नहीं पृथ्वी पर, सब समुद्र के गर्त में समाये हुए थे। क्या? ज्ञान सागर के जल में ये सारे ही डूब गए थे, अभी फिर डूबने वाले हैं, क्योंकि झूठे हैं इसलिए इनका नाश हो जाएगा। और जो सच्चे है सत्यनारायण, उसका खंड रह जाएगा, वो है भारत खंड। भारत में भगवान आते हैं, भारत जड़ जमीन को नहीं कहा जाता है, भारत चैतन्य का भी नाम है। भारत में माता भी है तो पिता भी है, भारत माता कहा जाता है,
क्योंकि माता को आगे रखा गया है। क्यों रखे आगे रखा गया है? भारत माताओं के द्वारा स्वर्ग की स्थापना होती है। भारत खंड में भारत का जो पिता का रूप है उसके द्वारा स्वर्ग की गेट नहीं खुलते। किसके द्वारा खुलते हैं? भारत माताओं के द्वारा स्वर्ग के गेट खुलते हैं, इसलिए भारत माता कहा जाता है। बाकी इसका मतलब ये नहीं है कि वो भारत माता कोई विधवा है, उसके पीछे पीछे कोई पिता नहीं है। पिता है लेकिन जानबूझ करके माताओं को जो दुनिया की नजरों में गिराई गई है उन माताओं को आगे बढ़ाया गया। भारत का असल नाम ही है सचखंड, अभी तो ये झूठ खंड बन गया है। ये तुम जानते हो भारत में जब हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो और कोई धर्म नहीं थे। अगर दूसरे धर्म होते तो यार होता तो फिर वहां भी द्वैतवाद हो जाता। वहां द्वैतवाद नहीं होता, वहां एक राजा होता है, एक धर्म होता है, दुनिया में एक ही राज्य होता है, एक मत होती है, एक ही कुल होता है, एक ही वंशावली होती है। सत्युग होगा तो सूर्यवंशी ही होंगे, त्रेता होगा तो चंद्रवंशी ही होंगे। ऐसे नहीं कि दो वंश वहां इकट्ठे चलते रहे या दो दो राजाइयां चलती रहे, दो दो राज्य होते रहे, नहीं। देवी देवता का धर्म श्रेष्ठ धर्म था, क्योंकि बाप का स्थापन किया हुआ है ना। बाप है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, उसके लिए टाइटल में लगाया जाता है श्री श्री 108 है। कौन टाइटल लगाते हैं? जो देहधारी धर्म गुरु है वो बाप का टाइटल लेकर के बैठ जाते हैं, श्री श्री 108 स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज। तो वास्तव में वो तो झूठा टाइटल धराते हैं, क्योंकि झूठ खंड के हैं। बाप कहते हैं कि टाइटल तो मेरा है, मैं 108 श्रेष्ठ आत्माओं का निर्वाचन करता हूं इस दुनिया से। जो 108 श्रेष्ठ आत्माएं हर धर्म में स्मरण की जाती है, कोई धर्म ऐसा है जिसमें माला न घुमाई जाती हो? हिंदू भी माला घुमाते हैं, मुसलमान भी माला घुमाते हैं, क्रिश्चियन भी माला घुमाते हैं, बौद्ध भी माला घुमाते हैं। क्यों? वो माला के मणके उन श्रेष्ठ आत्माओं की यादगार हैं, जिन श्रेष्ठ आत्माओं ने परमात्मा का सहयोग दे करके नई सृष्टि की स्थापना में सबसे जास्ती सहयोग दिया था। तन मन धन धाम स्वर्ग परिवार सब दिया था। क्रिश्चियन धर्म का स्थापन किया हुआ, ये कोई भारत का धर्म नहीं। बाप का स्थापन किया हुआ धर्म भारत में होता है, बाप भारत में ही आते हैं पतितों को पावन बनाने के लिए। क्यों? विदेश में चले जाए पतितों को पावन बनाने के लिए तो क्या होगा? हैं? वो सुनेंगे नहीं। सुनते तो हैं, विदेशी भी सुन रहे हैं ज्ञान को। ऐसे थोड़े कि विदेशी लोग ज्ञान को नहीं सुनते हैं। द्वापर में आवाज इतना गिरा है कोई भी। पतितों को पावन करने के लिए भारत में ही इसलिए आना पड़ता है। भारत ज्यादा पतित है नहीं, कि भारत में ही पवित्रता को विशेष महत्व दिया जाता है। विदेश में कन्या माताओं की प्योरिटी की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। छोटी छोटी बच्चियां 14-15 साल की इधर उधर सड़कों में घूमती रहती हैं, दुनिया में घूमती रहती हुई देखी जा सकती है। है उनके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता कि इनकी प्योरिटी बर्बाद पर पवित्रता की पावर जो है नष्ट हो जाएगी। और भारत में तो देखो कन्याओं के ऊपर कितना ध्यान दिया जाता है। जहाँ जहाँ कन्या जाएगी माता पीछे पीछे जाएगी, कहीं किसी की इसके ऊपर बुरी नजर न पड़ जाए। तो भारत में पवित्रता के लिए विशेष मान है। सन्यासी भी जब नव दुर्गा पूजन करते हैं तो कन्याओं के पांव छूते हैं। क्यों? क्योंकि कन्या पवित्र होती है, उसमें प्योरिटी की अपूत पावर होती है। ये अपूत पावर जो है पवित्रता की, वो ईश्वर के कार्य में सहयोगी बनती है। क्या कोई सामान्य पुरुषों के मनुष्यों के कार्य में सहयोगी नहीं बनती है?
किसके कार्य में सहयोगी बनती है? भगवान के कार्य, कि भगवान के कार्य में सहयोगी बनती है। और ये पवित्रता के बल से ही दुनिया के सारे काम होते हैं। सत्य को त्रेता में को कोई कमाई करता है क्या? वहां कोई कारखाने चलाता है क्या? कोई खेती करता है क्या? बागवानी करता है क्या? फिर क्या खाते हैं? प्राकृतिक। हाँ, वहां प्रकृति जो है वो प्योरिटी की पावर से पवित्र प्रकृति बन जाती है। जब प्रकृति ही सारी पांच तत्वों का जो संघात है, पृथ्वी जलवायु अग्नि, वो ही पवित्र बन जाते हैं, तो सारी सृष्टि में पवित्रता के आधार पर सब कुछ मुहैया होता है। संकल्प किया और चीज हाजिर हो जाती है। वहां कुछ करना नहीं पड़ता है। आज के मनुष्यों को तो देखो कितनी भाग दौड़ करनी पड़ती है, थक जाते हैं बेचारे, कितनी थकान होती है। और सिर्फ एक आदमी परिवार का नहीं कमाता, परिवार के सारे सदस्य कमाते हैं, मेहनत करते हैं, तो भी उनको जो सुख शांति प्राप्त होनी चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पाती। तो भारत में भगवान आते हैं, विदेश में भगवान नहीं आते, क्योंकि भारतवासियों को पवित्रता की विशेष कदर है। भले बहुत पतित बन गए हैं, कुसंग में आने के कारण पतित तो बन गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उनकी बुद्धि में पवित्रता के प्रति मोह नहीं है। मोह है और प्यार भी है, लेकिन मजबूर हो जाते हैं संग के रंग से, कुसंग से वो अपने को पावन बनाए नहीं सकते, क्योंकि गुरुओं की उल्टी मत मिलती है। अब बाप आकर के बताते हैं, बच्चे मुझ एक में मन लगाओ और सबसे बुद्धियोग सिर्फ एक जन्म के लिए तोड़ दो। अनेक जन्मों के लिए नहीं कहता हूं, हर युग में मैं आता ही नहीं हूं। 24-24 अवतार लेने की मेरे को दरकार ही नहीं है। जब ये सृष्टि पूरी पतित बन जाती है कलयुग के अंत में, तब इसको आकर के पतित से पावन बनाता हूं। तो वो जो भारत में बाप आता है वही सबका बाप है, सबका सदगुरु है, सबको पतित से पावन बनाता है। सारी सृष्टि पतित बन जाती है, सारे मनुष्य मात्र पतित बन जाते हैं, तो वो आके सबको पावन बनाता है। बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। क्या ऐसे दुनिया में होता नहीं क्या कि जिसका बाप भी हो, टीचर भी हो और सदगुरु भी हो? यहां की विशेषता है कि एक ही पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व एक ही है, लेकिन वो बाप के रूप में भी पार्ट बजाता है। माना बाप के रूप में बच्चों को जन्म भी देता है। हर बच्चे को अपने पार्ट की याद आएगी कि मैं आत्मा ये अमुक देवता बनने वाला हूं। तो बच्चे के रूप में जन्म मिला ना, मैं आत्मा इस श्रेष्ठ रूपी रंगमंच पर कौन सा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली आत्मा? आज में मेरा नाम क्या था जब सृष्टि की आदि हुई थी, और अंत में मेरा नाम जब संगम युग में परमात्मा बाप आते हैं, तब मेरा नाम शास्त्रों में क्या प्रसिद्ध होता है? वो दोनों ही रूप, और दोनों ही रूप नहीं, हर जन्म में जो भी चोले धारण किए हैं, हर आत्मा को स्मृति आती है कि मैंने इस तरीके से जन्म लिया। इसलिए अर्जुन तो क्या कहा, हे अर्जुन तू अपने पूर्व जन्मों को नहीं जानता है, मैं तेरे को बताता हूं। तो एक एक को बताएगा क्या बैठ के? एक एक को नहीं बताता है, वो तो एक ऐसा तरीका बता देता है, एक फार्मूला बता देता है ज्ञान का। उस फार्मूले को, ज्ञान के फार्मूले को जो जो अपने जीवन में धारण करते हैं, अभ्यास करते हैं, उनके अंदर वो अपने जन्मों को जानने की आकांक्षा जागृत होती है और जान भी लेते हैं। योग से आत्मा जो है पवित्र बनती जाती है, सूक्ष्म बनती जाती है। सूक्ष्म को याद करने से जब आत्मा सूक्ष्म बनती है, तो बुद्धि की तीव्रता से हर आत्मा अपने बारे में सोचने लगती है कि बाप के कनेक्शन से, बाप के जो विशेष सहयोगी है उन विशेष आत्माओं के कनेक्शन से मेरा क्या विशेष पार्ट हो सकता है? तो एक ही रूप है, वो बाप का भी रूप है। वो बाप के रूप में आदि में
बच्चों को जन्म भी देता है, बीजारोपण भी करता है और अंत में बच्चों को वर्षा भी देता है। कौन सा वर्षा देता है? सुख और शांति का। जीवन मुक्ति माना सुख की दुनिया और मुक्ति माना दुख दर्दों से मुक्त करने की दुनिया। तो वो बाप भी है, टीचर भी है। टीचर का काम क्या होता है? जो भी टेक्स्ट बुक होती है, जो भी किताब होती है, चाहे पद्य के रूप में हो, कविता के रूप में हो और चाहे गद्य के रूप में हो, प्रोज हो या पोएट्री हो, उसको वो क्लैरिफाई करता है। क्या टीचर प्राइमरी स्कूल का भी होता है और टीचर बीएमए का भी टीचर होता है। प्राइमरी स्कूल में भी वही कबीरदास के दोहे कवित चौपाइयां पढ़ाई जाती हैं और वही दोहे कवित चौपाइयां और पद्य बीएमए में भी पढ़ाए जाते हैं। अंतर क्या होता है? कुछ अंतर होता है, अंतर होता है। प्राइमरी स्कूल में उनको सिर्फ रटाया जाता है, उनका वही अर्थ बच्चों की समझ में नहीं आता क्योंकि वो बच्चा बुद्धि है। क्या कुमार का दादी में ये शिफ्ट थी? इस तरह की बेसिक पढ़ाई पढ़ने वालों में, बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ने में कुमार का दादी बहुत श्रेष्ठ, बढ़िया। क्या जो भी बाबा वाणी सुनाते थे वो सारी की सारी वाणी हूबहू ज्यों की त्यों कुमार का दादी सुना देती। अभी भी उनमें यही शिफ्ट है। क्या जैसी वाणी चलती है वैसी वाणी उनसे सुन लो। जैसे पूछा जाता है ना, आज बाबा ने क्या क्या बताया, तो सारी बातें तोते की तरह पूरा रिपीट करके सुना दे। लेकिन उसका गुहियात क्या है वो बताने पर भी उनकी बुद्धि में नहीं है, नहीं बैठ रहा। अरे तो है, क्योंकि बाबा ने बोला हुआ था मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो बुद्धि श्रेष्ठ बनेगी। बाप की श्रीमत थी कि बाप की सभा में कोई पतित नहीं आना चाहिए। क्या अगर बुद्धि में बात बैठ गई है कि ये पतित व्यक्ति है, पतित कर्म करता है, पतित दृष्टि है, पतित भाषा बोलता है, तो ऐसी आत्मा को बाप की सभा में आने नहीं दे। लेकिन अगर कोई ब्रह्मा कुमारी की तथा कथित की बुद्धि कहीं हिलग जाए किसी देहधारी में, जो देहधारी ज्ञान तो सुनता नहीं है, ज्ञान की बातों पर ध्यान भी नहीं देता है, लेकिन देहधारियों में अटकने वाला है और वो देहधारियों में अटकने के कारण उस देहधारी की बुद्धि को इतना आकर्षित कर लेता है कि वो आत्मा उसका कल्याण करने के लिए बहुत जल्दबाजी करने में पड़ती है कि ये बच्चा जल्दी से बाबा के कनेक्शन में आ जाए, बाबा का बच्चा बन जाए। लेकिन बाबा की श्रीमत का तो ध्यान नहीं रखा, तो बाबा कहते हैं ऐसे फिर क्या बन जाते हैं, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। क्या पत्थर बुद्धि में शास्त्रों में किसका गायन है? अहिल्या का। अहिल्या का। अहि माने सांप, ले माने ले आई, माने भगवान के दरबार में जो सांप को भी पकड़ करके ले आई। अब सांप तो बहुत विषैला होता है, बहुत ही विषयी जंतु है। तो बाप कहते हैं ऐसे विषयी जंतुओं को जानबूझ करके मेरी सभा में लाने की दरकार नहीं है, इससे क्या होगा सभा का वातावरण खराब होता रहेगा और जो स्वर्ग की स्थापना है वो स्वर्ग की स्थापना में विघ्न। सबसे बड़ी शक्ति है कल्प संकल्प शक्ति, अगर वाइब्रेशन ही खराब होते रहेंगे तो संकल्प शक्ति नीचे गिरती रहेगी, शुभ संकल्पों की दुनिया नहीं बन पाएगी, शुभ संकल्पों की दुनिया ही नहीं बनेगी तो उससे फिर नुकसान होता रहेगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो वही कार्य है बाबा के सामने जिन बच्चों ने किया तो उनको ये दोष लग गया, तो पत्थर बुद्धि अहिल्या बन जाते हैं। कितना भी उनको बाबा का ज्ञान सुनाओ, एडवांस नॉलेज सुनाओ, उनकी बुद्धि में नहीं बैठे, बैठ नहीं सकता, वो टस से मस हो नहीं सकते। तो श्रेष्ठ धर्म की स्थापना उनके द्वारा कैसे होगी? उनकी बुद्धि ऐसी बनी हुई है, वो तो जब भी आएंगे तो कुछ न कुछ अपनी मत मिक्स ही करके सुनाएंगे। जैसे मुरली में बाबा ने कभी कहा कि 5 बार बाबा को याद करना चाहिए दिन में,
नहीं है। कभी मुरली में ऐसे बोला कि दिन में 24 घंटे में 5 बार सिर्फ याद करना है? क्या बोला इस संबंध में? श्वास श्वास याद करना है, घड़ी घड़ी बाबा को याद करना है। लेकिन डायरेक्शन क्या दिया गया? 5 बार याद करना। तो ये संस्कार कहाँ से आया 5 बार याद करने का? मुसलमान लोग बड़े नवाज। इससे साबित हो गया कि जिस आत्मा ने ये डायरेक्शन दिया वो मुसलमान धर्म की आत्मा साबित हो जाती है। ब्रह्मा बाबा ने मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद मम्मा के शरीर को लेक में जाकर के दफन किया। कोई वहां कब्र बनाई क्या? नहीं। कोई यादगार बनाई क्या? यादगार कौन से धर्म में बनाई जाती है? मुसलमान जो होते हैं, क्रिश्चियंस जो होते हैं, वो कब्रस्तान बनाते हैं और वहां वो यादगार मॉन्यूमेंट बना के खड़ा कर देते हैं। ब्रह्मा बाबा का शरीर छूटा तो शरीर छोड़ने के बाद उनका मॉन्यूमेंट वहां कहां पर? पांडव भवन के आंगन में वो मॉन्यूमेंट बना के खड़ा कर दिया गया। भाप कहते हैं कि मैं ये सब बातें नहीं बताता, ये मनमत की बातें हैं। मैं जो बताता हूं अगर उसी मत पर कोई चलता रहे तो वो देवी देवता सनातन धर्म में ही जन्म जन्म अंतर आता रहेगा। शरीर रहते वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाला नहीं बन सकता। इसलिए जो दूसरे दूसरे नारायण हैं सतयुग के, तो 8 नारायण होते हैं ना, संगम युग का मिला के 9 नारायण हुए। तो जो दूसरे दूसरे नारायण होते हैं, जो 16 कला संपूर्ण नहीं बनते हैं, वो कमजोर आत्मा होने के कारण, क्योंकि पूरी श्रीमत को फॉलो नहीं किया है, इसलिए वो दूसरे धर्मों के आधार बन जाते हैं। जो दूसरे धर्म पिताएं आते हैं वो उन नारायणों में प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश करने के आधार पर वो जब मुखिया को ही कन्वर्ट कर लेते हैं तो उनकी सारी प्रजा सतयुग की उसी धर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये शूटिंग हो रही है इस समय। इसलिए बाबा ने बोला है कि जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। क्या? अगर कोई इस्लाम धर्म का होगा तो इस्लाम धर्म में जो कन्वर्ट होने वाले दीदी दादी दादाएं होंगे उन्हीं की बात मानेगा, दूसरों की बात नहीं मानेगा। चाहे भगवान की कोई बात सुनाए लेकिन जानते हुए सुनते हुए भी नहीं सुनेगा। ऐसे बहुत से देखे होंगे जो कहते हैं दादी कहेगी तब हम सुनेंगे तुम्हारी बात, दादी मानेंगी तुम्हारी बातें सच्ची हैं, हमको भी अच्छी लगती हैं, लेकिन जब तक दादी नहीं मानेंगी तब तक हम नहीं मानेंगे, या जगदीश भाई जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम नहीं मानेंगे। इसका मतलब है कि वो जगदीश भाई जिस धर्म में जाने वाले हैं उसी धर्म की वो आत्मा, क्योंकि दूसरे धर्म की जो फॉलोअर्स होते हैं, प्रजा होती है पक्की प्रजा, वो कभी दूसरे धर्म वालों की बातें सुनती नहीं। मुसलमान क्या करते हैं? जब मस्जिद में जाएंगे याद करने के लिए जाएंगे तो क्या करेंगे? कुछ करते हैं? क्या करते हैं? कान में उंगली दे देते हैं, दूसरी बात नहीं। हाँ, और ऊपर तो हो करके अल्लाह को याद करते हैं। यहाँ भी यही सिखाया जाता है। उन्होंने ये बात सिखाई हुई है कि किसी की बात मत सुनो, कान बंद कर लो और अल्लाह भी याद करो, निराकार शिव बाबा को याद करो। अगर तुमने दूसरों की बातें सुन ली अगर खुदा खास्ता तो हम तुमको निकाल। मुसलमान क्या करते थे? निकाल नहीं, मुसलमान तलवार से ही काट देते थे, कतल कर देते थे। तो कत्ल करना माना खत्म कर देना। वो अपनी कैटेगरी में उसको स्वीकार नहीं कर सकते। अगर वो 20 बार भी माफी मांगेगा ना तो भी उसको अपने दिल में कभी भी समाए के नहीं रख सकते। ये तो देवी देवता सनातन धर्म ही है कि दूसरे धर्म की आत्माओं ने कितनी गलतियां की, कितनी मारकाट मचाई, कितना दुख दिया, तो भी सब धर्म वालों को हिंदुस्तान में, भारत में जगह दी और अभी भी जगह दी जा रही है। शरण स्थली है, सारे विश्व की शरण स्थली भारत अभी भी माना जाता है। तो ये श्रेष्ठ धर्म है और उनके हैं भ्रष्ट धर्म।
भारत में परमात्मा आकर के जो धारणा स्थापन करते हैं वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ धारणा स्थापन करते हैं, और उन्हीं धारणाओं को दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं इस समय ब्राह्मणों में जो मौजूद है वो बिगाड़ रही है। तो इस बात की गहराई को जो पहचानेंगे वो जानेंगे, वो सत्य का सहयोग देंगे और असत्य का नाश करने में सहयोगी बनेंगे। शिव की पूजा भी सब करते हैं, सब करते हैं माना उस निराकार को समझते सारी दुनिया मानती है, लेकिन निराकार को मानती है सारी दुनिया साकार को नहीं मानती। वो सिर्फ भारतवासी है, देवी देवता सनत धर्म की आत्मा है जो साकार को भी मानती है और निराकार को भी मानती है। वो जानती है कि जो निराकार है सोई साकार है, जो साकार है सोई निराकार, उन दोनों में कोई भेद नहीं है, सगुण है या गुण है नहीं कछु भेद। शिव द्रोही मम दास का आवा सोनर सपन मोह न पा मोह न पावा, माना शिव जो निराकार है अगर उसका कोई द्रोह करता है तो साकार राम भगवान को प्राप्त नहीं, नहीं कर सकता। तो उस निराकार को सब याद करते हैं परंतु जानते नहीं है कि वो निराकार कौन है और क्या आकर के करता है। बाप आकर के परिचय देते हैं वो निराकार ज्योति इस सृष्टि पर किस तन में आती है और आकर के क्या कार्य करती है। ओम शांति। जो भी आए उनको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने का लक्ष्य रखना है, क्या ये संन्यास आश्रम नहीं बनाना, क्या बनाएंगे क्या बनाएंगे लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण का मंदिर, शिव बाबा का मंदिर भी नहीं, लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाएंगे। इसका संचालन दोनों के हाथ में रहे, क्या प्रवृत्ति मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग में प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना कर रही है ना जितने, हाँ उसी को दो ये जिम्मेदारी उसी को दो। किसको? द्रौपदी। द्रौपदी तो है ही नहीं, माता जी कहाँ है? द्रौपदी तो माता है ना, द्रौपदी तो माता है, वो अकेली क्या करेगी? भारत माता कहा जाता है तो इसका मतलब ये थोड़ी कोई विधवा है, उसके पीछे पीछे कोई होता है ना, उसको शक्ति देने वाला कोई तो होगा। आज की पति दुनिया में स्त्री जाति जो है वो बिना पुरुष के संरक्षण के रह नहीं सकती, इसलिए कन्या बड़ी हो जाती है तो उसको तुरंत कहते हैं ना तो माँ बाप के घर में तुम रहने काबिल नहीं, निकलो, कोई कोई को सपोर्ट कर देते हैं, तो अच्छी बात है, देख रेख करो अच्छी तरह से, कोई ऐसा काम यहाँ न होने पाए जिससे वो तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ जाए। तो आप इस लक्ष्मी नारायण के मंदिर के ट्रस्टी हैं क्या? इनकी सेवा के कारण से चल रहे हैं हम, तो इनकी सेवा के कारण से चल रहे हैं, आप तो अपने पुरुषार्थ से चल रहे हैं।